और आज इस नुक्कड़ सभा में सिरपुर के बीच में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर मंदा प्रभाकर जी और यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनको माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री का अभ्यर्थी बनाया है प्रदेश का आर एस प्रवीण जी। और माननीय बहन जी ने बोला भी है कि आप मेरा जो संदेश है इस संदेश को सब कहीं जाके बोलो कि इस बार गलती नहीं करना है, प्रदेश के अंदर बाबा साहब को विचारधारा को लेकर के आना है। और बाबा साहब का जो विचारधारा था, बाबा साहब का जो सपना था, उसको सपने को हम इस बार पूरा करेंगे तेलंगाना के अंदर। और इसलिए माने बहन जी ने प्रवीण जी को मुख्यमंत्री का अभ्यर्थी बनाया और ये भी कहा इनको जिता करके हर हालत में इनको जिताना भी है, हर हालत में इनको पहुंचाना है ताकि आगे के हम लोग लड़ाई लड़ सकें। और इसलिए तमाम यहाँ पे मैं सिरपुरी सीट हम जीत चुके हैं, हम सिरपुरी सीट जीत चुके हैं तो मुझे पूरा विश्वास भी है कि यहाँ बाबा साहब को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, है कि नहीं है? सभी लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और बाबा साहब के लोगों ने इस बात ठान लिया है कि पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को अत्याचारियों को हटा करके रहेंगे और बाबा साहब का झंडा विधानसभा के अंदर लगा करके रहेंगे। इसके लिए हम सब लोगों ने ठान चुके हैं कि यही नहीं तेलंगाना के अंदर नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर भी, छत्तीसगढ़ में भी, राजस्थान के अंदर, और बाबा साहब की बातें आगे बढ़ चुकी हैं, बाबा साहब की विचारधारा आगे बढ़ चुकी है, नील झंडा हाथी निशान आगे बढ़ चुका है। हमें पूरा विश्वास है कि इस बार आप लोग के साथ में आने वाली 25 तारीख को हाथी का बटन दबाएंगे और बीएसपी की सरकार यहां पर बनाएंगे तेलंगाना के अंदर। 30 तारीख को आज तो 25 से तेलंगाना राजस्थान में चुनाव चल रहा है तो 30 तारीख को यहां पे चुनाव आने वाला है और 30 तारीख को 100% मुझे उम्मीद है कि इस बार बाबा साहब की जीत होने वाली है तेलंगाना के अंदर। और बाबा साहब जीतेंगे तो मेरा समाज जीतेगा, इस पर जुल्म जाति अत्याचार होता है, उसकी गरीबी होती है, ये सब खत्म होगा, इनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। यही हमारी लड़ाई है कि हम अपने बच्चों को पढ़ा के आगे बैठाना चाहते हैं, ऊंची ऊंची कुर्सी बैठाना चाहते हैं। इसलिए विश्वास है कि इस बार तेलंगाना के अंदर बीएसपी आने वाली है और सिरपुर की सीट भी बीएसपी जीतेगी और प्रवीण जी को मुख्यमंत्री भी हम लोग बनाएंगे। यही सब संदेश मेरा है, आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बार किसी के प्रलोभन में नहीं आना है। वो लास्ट में पैसा बांटेंगे, शराब बांटेंगे, चिकन मटन सब बांटेंगे, बिरयानी बांटेंगे, लेकिन हम बाबा साहब के मानने वाले हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं, इस बार पैसे पे नहीं बाबा साहब के नाम पर वोट देंगे और बीएसपी के मुख्यमंत्री को आरएस प्रवीण कुमार जी को प्रगति भवन उठाएंगे और नीला झंडा प्रगति भवन में लगाएंगे 30 तारीख को। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय भारत। धन्यवाद।